हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जिस तरीके से हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स देखे थे सेक्शन 10 में, सिमिलरली हमने वैलिड ऑफर के भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे, उसके लीगल रूल्स देखे थे, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस। तो सेक्शन 2B में हमें डिफाइन किया गया है व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सेप्टेंस इज व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, यानी कि जिस पर्सन को हमने अपना प्रपोजल या फिर अपना ऑफर दिया है, तो यानी कि हम यहाँ पे ऑफर ही की बात कर रहे हैं। सो व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, यानी कि वो अपनी रजामंदी, अपना एसेंट देता है उस ऑफर के लिए। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो हम कहते हैं कि हमारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि जब हम ऑफरी को एक्सेंट, हमारा जो ऑफरी है जब हमें एसेंट दे देता है हमारे ऑफर के लिए, तो हम कहते हैं कि जो हमारा प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और जब हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। तो हमने, हमारा जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस, और हम इसे प्रॉमिस को अग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो यानी कि व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस, व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू अ प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो हम बोलते हैं हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, तो पर्सन जिसने अपना प्रोमिस दिया है यानी कि जिसने प्रपोजल दिया है इज द प्रोमिसर, उसे हम प्रोमिसर बोलते हैं क्योंकि वो प्रोमिस कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहती हूँ 10,000 रुपीज़ में, यानी कि आई एम द प्रोमिसर, मैं आपको प्रोमिस कर रही हूँ ना कि मैं आपको अपनी कार सेल करूँगी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी, और जिस पर्सन को हमने प्रोमिस दिया है वो हो जाता है प्रोमिसी। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक एक्सेप्टेंस को वैलिड करने के लिए क्या क्या लीगल रूल्स हैं, क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जिस तरीके से हमने ऑफर की बात की थी कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सिमिलरली एक्सेप्टेंस ऑल्सो नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। जैसे ऑफर जब तक आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप ऑफर दे रहे हैं, यहाँ पे सिमिलरली जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं बताएंगे कि आपके ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक वो एक्सेप्टेंस भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। तो यहाँ पे एक फेमस केस लॉ आता है ब्रॉडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का, और ये 1877 का केस है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ब्रॉडन है, तो हम इन्हें शॉर्ट में बी बोलेंगे, ये कोल सप्लाई करते थे अब रेलवे कंपनी को, तो ही वॉज द कोल सप्लायर ऑफ द रेलवे कंपनी। इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट बना के भेजा कंपनी के मैनेजर को कि मैं आपको कोल सप्लाई करूँगा इस प्राइस पे, और जो उनका कोटेशंस वगैरह था, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो सारे उन्होंने लिख के भेज दी। मैनेजर ने क्या किया कि वो जो ड्राफ्ट अग्रीमेंट था उसके ऊपर अप्रूव लिख के उसे अपने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया। उन्होंने सोचा कि मैं इसे बी को सेंड कर दूंगा, लेकिन वो उसको सेंड करना ही भूल गए, वो उनके ड्रॉअर में ही रखा रह गया। यानी कि एक्सेप्टेंस जो थी वो यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं हो पाई बी को, क्योंकि मैनेजर ने उसे ड्रॉअर में रख दिया। तो यानी कि यहाँ पे जब तक आपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया, तब तक आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा, बिकॉज इट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे अपने तक ही रखेंगे या फिर आप किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं जो कि बी को नहीं बताता, तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, यानी कि एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी जब वो उस पर्सन से आती है जिसको हमने ऑफर दिया है, दैट इज़ द ऑफरी। तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक ऑफर की, तो स्पेसिफिक ऑफर में स्पेसिफिक पर्सन को हम ऑफर करते हैं, तो वो स्पेसिफिक पर्सन ही हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑफर किया है, तो मेरे ऑफर को आप ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर था, सिर्फ आपके लिए मैंने ऑफर को ओपन रखा था।
अगर मैं बात करूँ जनरल ऑफ़र की, यानी कि जनरल ऑफ़र कौन सा ऑफ़र होता है जिसमें एनीवन कैन एक्सेप्ट दी ऑफ़र, जिसमें जो भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा वो मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे हमने एग्जांपल किया था कि ए का जो सन होता है वो मिसिंग हो जाता है और बी उसके सन को ढूंढ के लाता है, तो इन दैट केस इट वॉज अ जनरल ऑफ़र कि जो भी मेरे मिसिंग सन को ढूंढ के लाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। तो यानी कि जनरल ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, बट इफ़ आई टॉक ऑफ द स्पेसिफिक ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन। तो हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का जो 1857 का केस है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ब्रोकलहर्स्ट था उसने अपना बिजनेस जो था वो बॉल्टन को सेल कर दिया था। तो ब्रोकलहर्स्ट इज़ द न्यू ओनर, सॉरी ब्रोकलहर्स्ट जो है वो उसने अपने बिजनेस बोल्टन को सेल किया था, तो बोल्टन इज़ अ न्यू बिजनेसमैन। अब जॉन्स जो है, जो कि ब्रोकलहर्स्ट का एक क्रेडिटर है, यानी कि जिसका पहले बिजनेस था उसका एक क्रेडिटर था जॉन्स, जॉन्स ने क्या किया कि उस बिजनेस के पुराने मालिक के साथ एक ऑफ़र प्लेस करता है कि मुझे गुड्स सप्लाई कर दो। तो जो बिजनेस जो था जिन गुड्स में डील करता था, तो जॉन्स ने ये ऑफ़र किया कि मुझे अपने गुड्स सप्लाई कर दो, और उस पर नाम लिखा था ब्रोकलहर्स्ट जो कि उसका पुराना मालिक था। अब बॉल्टन जो कि उसका नया ओनर बन गया है, तो उसने गुड्स को सप्लाई कर दिया, उसने सोचा कि भाई ये जो ऑफ़र आया है ये तो मेरे बिजनेस के लिए आया है। अब बिजनेस बॉल्टन चलाए या ब्रोकलहर्स्ट चलाए क्या फ़र्क पड़ता है, तो नाम लिखा था ब्रोकलहर्स्ट लेकिन बॉल्टन ने उस ऑर्डर को फुलफ़िल कर दिया और उसने गुड्स जो थे वो डिलीवर कर दिए जॉन्स को। अब उसने जॉन्स जो था उसने बॉल्टन को पेमेंट करने से मना कर दिया, इस उसने ये कहा कि सर मैंने तो बॉल्टन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म किया, मैंने तो ब्रोकलहर्स्ट को बोला था मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, ये तो बॉल्टन बीच में खुद आया है। तो बॉल्टन वॉज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑफर वॉज मेड टू द ब्रोकलहर्स्ट, तो बॉल्टन ने खुद क्यों एक्सेप्ट किया मेरे ऑफर को। तो जॉन्स जो था उसकी इंटेंशन थी कि जब मैं ब्रोकलहर्स्ट को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा सप्लाई करने के लिए, तो मैं उससे अपने जो क्रेडिटर है मतलब जो उसकी पेमेंट है उसको सेट ऑफ कर दूंगा। तो मान लीजिए मुझे 10,000 रुपीज़ ब्रोकलहर्स्ट से लेने थे, तो मैंने उसे बोला कि 10,000 के गुड सप्लाई कर दो, तो मेरा जो डेट था वो सेट ऑफ हो जाता उसके साथ। तो यहाँ पे इंटेंशन जॉन्स की तो ये थी कि मैं अपने डेट को सेट ऑफ कर लूंगा। तो जब ये कोर्ट केस जो है ये कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने ये कहा कि बॉल्टन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, ब्रोकलहर्स्ट एंड जॉन्स के बीच में, तो बॉल्टन वॉज नॉट एलिजिबल टू गेट द पेमेंट फ्रॉम दी जॉन्स। और जब तक ऑफ़र आपको नहीं दिया गया आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर आपने गुड्स को सप्लाई किया है, आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, तो आपको पेमेंट मिलने के लिए लाइबल नहीं हो, आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है रीजनेबल टाइम, यानी कि एक्सेप्टेंस जो होती है वो हम एक रीजनेबल टाइम में अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए। कोई भी ऑफ़र जो है वो इनडेफिनेटली के लिए ओपन नहीं रहता। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑफ़र किया है कि मैं आपको अपना हाउस सेल करना चाहती हूँ 2 लाख रुपीज़ का, और आपने मुझे 1 ईयर हो गया और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। 1 साल बाद उठ के आप आते हो और आप कहते हैं कि ठीक है मैं रेडी हूँ आपका हाउस परचेज़ करने के लिए। तो इतने टाइम के लिए कोई भी ऑफ़र जो है वो ओपन नहीं रहता। 1 साल बाद अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस देंगे तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट अ रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम क्या होता है वो कहीं पे भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, इट डिपेंड्स फ्रॉम सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस। फॉर एग्जाम्पल बनानास, अगर मैं आपके साथ मैं आपको ऑफ़र देती हूँ कि मैं आपको बनानास जो है वो 10 kg बनानास सेल करना चाहती हूँ फॉर ₹1,000। अब मैंने आपको बोला था कि मुझे एक्सेप्टेंस दे दो, लेकिन आपने क्या किया, मुझे 1 वीक बाद अपना एक्सेप्टेंस दिया। सो डेफिनेटली जो बनाना है वो एक पेरिशेबल गुड है, तो वो 1 वीक तक तो फ्रेश नहीं रहने वाले, तो वो गल सड़ जाएंगे 1 वीक के अंदर अंदर। तो अगर आप मुझे 1 हफ्ते बाद एक्सेप्टेंस देते हैं और आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको 1 हफ्ते बाद अपने बनाना सप्लाई करूंगी, सो दैट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो मेरे गुड्स हैं वो तो पेरिश हो चुके हैं, वो पेरिशेबल नेचर के थे। तो यानी कि रीजनेबल टाइम क्या होता है वो कोई कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, ये हमारे सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अगर यही ऑफ़र मैंने आपको दिया होता फॉर दी सेल ऑफ हाउस, तो घर के लिए 1 वीक इज़ अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, आपने 1 हफ्ते में मुझे जवाब दे दिया। तो यानी कि हमने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है या फिर रिजेक्ट किया है, जो भी है हमें 1 वीक उसे एक रीजनेबल टाइम में अपना आंसर दे देना चाहिए, अपना रिप्लाई। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखिए, जब जो ऑफरर है जब वो अपना ऑफर देता है, तो या तो वो उसी में प्रिस्क्राइब कर दे कि देखो मैं जो हूँ मैसेज से ही तुम्हारा रिप्लाई आना चाहिए, मैं कोई और
एक्सेप्ट नहीं करूँगा। या फिर आपने बोल दिया कि मुझे मेल भेजना, तो कई बार होता है कि लिखा होता है कि आपको मेल से रिप्लाई करना है विद इन अ वीक। तो इस टाइप से अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस अगर आपको ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है ऑफर के अंदर ही, तो आपको तो उसी मोड से एक्सेप्ट करना है। तो जैसे बोला मेल भेजना है, तो आपको मेल ही सेंड करना पड़ेगा, कोई और मोड नहीं चलेगा। बट अगर आपको प्रपोजल ने कुछ भी नहीं बताया, आपको ऑफर में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, बस ये बोला है कि मेरा ऑफर क्या है, आपको मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट स्पेसिफाइड, तो इन दैट केस आप यूजुअल या फिर रीजनेबल जो भी आपको लगता है आप उसके थ्रू अपना एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला कि मैंने तो कबूतर के यहाँ चिट्ठी भेज दी थी मैम, आपके ऑफर को एक्सेप्टेंस के लिए मैंने कबूतर के यहाँ चिट्ठी भेज दी, सो दैट इज़ नॉट अ रीजनेबल मैनर, वैसे तो नहीं चलता। तो अब ये चीज़ें नहीं होती है, तो यानी कि एक्सेप्टेंस जो होता है वो रीजनेबल ही आपने मोड से भेजना है, कोई भी अनरीजनेबल मोड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, मान लीजिए मैंने आपको ऑफ़र किया कि मैं आपको अपना हाउस सेल करना चाहती हूँ और आपने मुझे मेल भेजना है, मेल के थ्रू ही आपका एक्सेप्टेंस आना चाहिए, लेकिन आपने मुझे अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया थ्रू लेटर, आपने मुझे मेल नहीं किया, आपने मुझे लेटर सेंड कर दिया। अब लेटर तो मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया था, तो जब एक्सेप्टेंस किसी और मोड से आता है अदर देन प्रिस्क्राइब्ड, तो इन दैट केस ऑफरर की ड्यूटी है कि वो आपको बोलेगा कि मुझे तुम्हारा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं है। तो जब आपने मुझे लेटर भेजा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बोलूँ कि देखो लेटर नहीं चलेगा, मैंने मेल बोला था, मुझे मेल ही भेजना है। तो अगर ऑफरर आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ठीक है ऑफरर ने मेरे लेटर को एक्सेप्ट कर लिया है, सो दैट इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो मैंने क्या बोला इन शॉर्ट, अगर मैं बोलूँ कि या तो मोड प्रिस्क्राइब हो तो उसी मोड में भेजना है, अगर मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो जो रीजनेबल मोड आपको लगता है आप उससे भेज सकते हैं, और अगर आपका मोड प्रिस्क्राइब है और आप उसको छोड़कर किसी और मोड से करते हैं, तो ऑफरर की ड्यूटी है, यानी कि जिसको वो लेटर मिल रहा है ऑफरर, उसकी ड्यूटी है कि वो आपको बताए कि देखो तुमने अदर मोड यूज़ किया है, मैं इसको नहीं मानता, मैंने तुम्हें मेल बोला था, मुझे मेल से ही अपना रिप्लाई भेजो, नहीं तो मैं ये नहीं मानता। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, तो फिर हम मान लेंगे कि हमारी एक्सेप्टेंस जो है वो उसने एक्सेप्ट कर ली है, तो मेरी एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सो दिस इज द रूल अबाउट द प्रिस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब देखिए जिस तरीके से ऑफर होता था वो एक्सप्रेस भी हो सकता था या फिर इम्प्लाइड होता था। एक्सप्रेस मतलब आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है, वर्ड्स कैन बी ओरल और रिटन। सिमिलरली एक्सेप्टेंस भी या तो आपकी एक्सप्रेस हो सकती है इन वर्ड्स, ओरल और रिटन, या फिर आपकी इम्प्लाइड हो सकती है, आपके कंडक्ट से आपके बिहेवियर से पता चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल बस मेरे सामने आके रुकी, मैं उसमें चढ़ गई, सो दैट इज़ एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम माई साइड। कोली मेरा लगेज उठा के लेके जा रहा है और मैंने उसको मना नहीं किया, तो वो मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब अपने बिहेवियर से बताते हैं सामने वाले को कि उसकी ऑफर को हमने एक्सेप्ट कर लिया, सो दैट इज़ एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सिमिलरली कॉबलर जो है वो शू एंड पॉलिश लेके बैठा है और उसके सामने जाके हम अपने शूज़ रख देते हैं, तो यानी कि उसने अपनी सर्विस को ऑफर किया था और मैंने अपने शूज़ उसके सामने रख के उसकी सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर वो मेरे शूज़ को पॉलिश करता है, तो इन दैट केस इट इज़ अ आई एम लाइबल टू पे दी कॉबलर। नेक्स्ट है, एक्सेप्टेंस शुड बी क्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस जो होती है वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। ऑफ़र के टाइम पे हमने स्टडी किया था कि ऑफ़र में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लगा सकते हैं, बट रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी मर्जी लगाओ, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3, 4, 10, जितनी मर्जी कंडीशंस लगाओ, रीजनेबल कंडीशंस आप लगा सकते हैं, बट एक्सेप्टेंस जो होता है वो एज इट इज़ होना चाहिए। जैसा ऑफ़र में कंडीशंस दी हैं, आपको पूरी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, तो ही आपकी तरफ से वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। अदरवाइज़ अगर आप उसे कोई और कंडीशन लगाते हैं, तो फिर वो काउंटर ऑफ़र बन जाएगा, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला था कि मैं आपका हाउस जो है वो 10 लाख में परचेज करना चाहती हूँ, सॉरी आपने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं आपका हाउस जो है वो 10 लाख में सेल करना चाहती हूँ, मैंने बोला ठीक है 10 लाख ले लूँगी, दे दूँगी, लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट्स में दूँगी। तो मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने अपनी तरफ से उसमें एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं दिया, मैंने अपनी कंडीशंस को अटैच कर दिया, तो यानी कि ये क्या हो गया, एक
इनवैलिड एक्सेप्टेंस हो गई, क्योंकि अब ये ऑफरर के ऊपर है, वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ऑफर जैसा दिया गया है, जो सर्टेन कंडीशंस और टर्म्स लगाई गई हैं, आपको उसी से एक्सेप्ट करना है। अगर आप अपनी तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनता। लास्ट है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस। यानी कि एक्सेप्टेंस को आप ये नहीं कह सकते कि अगर सामने वाली पार्टी साइलेंट है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो अगर मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपको अपनी वॉच जो है वो सेल करना चाहती हूँ 5000 पे, और आपने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, तो मैं ये नहीं सोच सकती कि आपका साइलेंस इज अमाउंट्स टू कम्युनिकेशन। नो, अगर सामने वाली जवाब नहीं दे रही है, सामने वाली पार्टी, तो उसको हम कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानते और यहाँ पर कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है। एम जो है वो अपने नेफ्यू को बोलता है कि देखो, कल तुम जो है वो ऑक्शन लगाने वाले हो, और ऑक्शन में जो तुम हॉर्स सेल करने वाले हो ना, वो हॉर्स मुझे सेल कर दो 30 रुपीज़ में। तो उसने क्या ऑफ़र किया कि मुझे अपना हॉर्स आज ही सेल कर दो 30 रुपीज़ में। तो ये ऑफ़र अंकल ने दिया। अब जो उनके नेफ्यू था, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और अपने ऑक्शनर को बोलता है कि देखो, कल ये जो ऑक्शन होने वाला है उसमें मेरे घोड़े को मत सेल करना, मैं ये हॉर्स अपने अंकल को सेल करने वाला हूँ 30 रुपीज़ में। सो दिस वॉज एन ऑफ़र था अंकल की साइड से, लेकिन नेफ्यू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, नेफ्यू वहाँ से चुपचाप चला गया। नेफ्यू ने घर जाके अपने ऑक्शनर को क्या बोला कि इस हॉर्स को कल ऑक्शन में सेल मत करना, ये मैं ऑलरेडी अपने अंकल को सेल कर चुका हूँ, बाकी के आइटम्स तुम ऑक्शन में सेल कर देना। अब ऑक्शनर जो था वो नेक्स्ट डे ये बात भूल जाता है और वो बाय मिस्टेक हॉर्स को भी ऑक्शन में सेल कर देता है किसी थर्ड पार्टी को। अब हॉर्स तो सेल हो चुका, अब अंकल जो है वो अपने नेफ्यू को स्यू करते हैं कोर्ट में और ये बोलते हैं कि सर, इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये हॉर्स अपना मुझे सेल करेंगे 30 रुपीज़ में, और इन्होंने अपना हॉर्स किसी और पार्टी को सेल कर दिया थ्रू ऑक्शन। अब कोर्ट ये कहता है कि क्योंकि इन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, क्या इन्होंने आपके सामने घोड़ा ला के रखा? नहीं, इन्होंने मेरे सामने घोड़ा नहीं रखा, यानी कि वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं था। या तो वो एक्सप्रेस करते वर्ड्स में कि ठीक है अंकल, मैं आपको हॉर्स सेल कर देता हूँ, या फिर वो अपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिखाते। अब इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती थी कि या तो वो आपके सामने हाथ बढ़ाते कि ठीक है 30 रुपीज़ पे कर दो, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए डीड बनवा लेते आपके सामने, या फिर वो अपना हॉर्स आपके सामने ला के रख देते कि ठीक है ये लो हॉर्स ले जाओ और 30 रुपीज़ पे कर दो। तो जब उनकी तरफ से ना तो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है ना फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, एक साइलेंस को आप कैसे मान सकते हो कि वो एक्सेप्टेंस है? तो साइलेंस कैन नेवर अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, और वो सिर्फ साइलेंट रहा था आपका नेफ्यू, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। इट इज़ एन इनवैलिड एक्सेप्टेंस, इनवैलिड रहेगी क्योंकि वो आपके सामने चुप रहा। और हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस जो होती है वो हमेशा कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो अंकल को तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो इन दैट केस इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस। So this was all about the legal rules or the essential elements of a valid acceptance. Thank you for watching. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।